और इंस्टाग्राम पे डाल दे। ये वीडियो अगर मेरे घर वालों को देख गई मेरे को मार पक्की है, कसम से। नीचे देख रहा हूँ ना, वो अंदर से एक डर सा होता है ना भाई, वो लग रहा है मेरे को। ये देखो बहुत डर लग रहा है यार। क्या अच्छा काम है आज तक तेरे भाई ने, कोई बुरा काम किया? वही तो, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में भी कि इतने ठंडे पानी में बारिश के मौसम में ऐसा कोई करेगा। भाई एक चीज बोलूं मैं तुम्हें, ये सब करना नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है तुम सबके? सारी चीजें मैं तुम्हें आज डिटेल में बताने वाला हूँ, रात कैसे बीती अपनी, कहाँ पे हूँ, क्यों आए थे, क्या रीजन था। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा तेज। अभी जो बाहर का व्यू है वो इतना प्यारा है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये सारी चीजें इग्नोर करो प्लीज यार, बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ था, हमने पानी काफी ज्यादा लाया था, वेस्ट गया है सारा, खाने वाला चिकन वाला वो सारा खराब हो गया, क्योंकि रात को हम सो गए थे। उसके बाद ना बारिश स्टार्ट होगी और सारी चीज़ें थी ना वो सारी भीग चुकी हैं, बट कोई नहीं, रात चलेगी। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना, इतना ज़्यादा एंजॉय किया मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा रहेगा। यहाँ पे सुबह सुबह भाई और गए थे भाई बाहर, इन्होंने लाया है हमारे लिए क्या, ब्रेड ऑमलेट और साथ में चाय। और क्या चाहिए, ये प्यारा मौसम, हाथ में चाय साथ में दोस्त, जिंदगी में चाहिए कुछ और। मैं अभी लाइव आया था थोड़ी देर पहले, सुबह सुबह काफ़ी सारे बंदे आए थे लाइव में, मैंने उन सबको भी ये चीज़ें बोली। वो आज का रील चल रही है ना कि ज़िंदगी ऐसे जियो, चार लोग ये वो वगैरह वगैरह, मैं वही चीज़ें तुम्हें बता रहा था। मज़े से एंजॉय करो, घूमो और क्या चाहिए, बस। काफ़ी प्यारा व्यू है, पहले यहाँ पर चाय पी लेता है तुम्हारा भाई, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सीन है आज के और क्या रहने वाला है। लेट्स सी कि क्या सीन है, कैसी चाय है। काफ़ी अच्छी है, प्यारी है। तू हंस क्यों रहा है पीछे, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। रात को इतना ज़्यादा डर रहा था ना, ये इतना ज़्यादा डर रहा था, सारे सोए हुए थे। इतनी जल्दी मैं उठाऊँ मॉर्निंग में, 5 बजे तुम्हारे भाई की नींद खुल गई थी, उसका रीज़न ये था। इसने क्या किया, इसको डर लग रहा था, इसने सबको क्या किया, जगा दिया, और उसके बाद सबको नींद खुल गई सबकी। उसके बाद नींद ही नहीं आई है, बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। उठ जा, वो तेरा दिमाग ठीक है, इसको नीचे रखना यार। क्या हुआ, फ्लश डाली है? क्यों यार, बाहर से आवाजें हो रही हैं, नींद नहीं आ रही है। क्या टाइम है, 6 बजने वाले यार, 5 बज गए यार। क्या हुआ, सो जा यार, कुछ नहीं हो रहा। यार लाइट बंद कर, सारे इधर ही, क्यों डर रहा है यार? मैं डर रहा हूँ, ऊपर से टेंट भी गीला हो गया, अंदर पानी आ रहा है, सबकी नींद खराब हो, क्या फायदा। कुछ नहीं होता, आधे घंटे बाद नमाज का टाइम है, कुछ सब सब सो जा यार। गाड़ी में जाते हैं ना, गाड़ी दूर है जान मेरी, कैसे जाएगा, इतना सामान है टेंट में यार, कैसे लेके जाए, पागल हो गया क्या? क्या करे फिर, बंद कर, आंखों में बज रही है यार, बारिश इतनी तेज हो रही है। चाय वगैरह पी के तुम्हारा भाई दोबारा से सो चुका था, बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी ना, अभी जाके टाइम मिल रहा है कि टेंट को ना क्लोज करें दोबारा से वापस, बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ है अभी सामने, सारी चीजें क्लियर करने वाली है। नहीं खाएगी हाथ, पता ये कितना वो है, क्या अच्छा काम है आज तक तेरे भाई ने, कोई बुरा काम किया? वही तो, और भी पड़ा होगा ब्रेड यार, साफ ब्रेड है सारे। ये लो, हेलो, इधर 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 इधर, बहुत स्पीड बहुत है इसकी खाने की ना, बस बस। अभी क्या सीन है भाई, मैं तुम्हें बता दूं, प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सक्सेसफुल रहा, सब कुछ ठीक रहा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, हमारे साथ जब हमने रात को टेंट लगाया था ना, ये पूरी लेन है ना जो लाइन, यहाँ पे हर जगह ना टेंट ही टेंट है, सब चले गए हैं, बस एक टेंट बचा हुआ है हमारे साथ वाला और एक जो अपने वाला। हमारे पास 2 टेंट थे, बट हमने क्या किया, रात को जब लेट पहुँचे तो हमने एक ही का सेटअप किया, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा किया, एक ही लगाया, अच्छे से सारे ना एक ही में आ गए थे, ये देखो। और सबसे मैं तुम्हें जो खतरनाक चीज़ बताऊँ, ये जो चीज़ देख रहे हो तुम, हम चिकन भी लेकर आए थे शॉप से, बट वो बना नहीं पाया क्योंकि बारिश होने लगी। फिर हमने क्या किया,
हम गए यहाँ से वापस मार्केट में, वहाँ पे हमने एक होटल वाले को पैसे दिए, उन्होंने हमें जो चिकन है जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो उन्होंने बना कर दिया हमें अच्छे से, उन्होंने हेल्प की हमारी रात को। अभी यहाँ पे देखो बंदे ब्रश वगैरह कर रहे हैं। अभी मेरे को जाना है नीचे, सबसे मुश्किल काम पता क्या है, नीचे जाना। अभी जब पानी में हाथ लगने वाला है ना उस टाइम असली जो मजा अब आएगा। ठंड पहले अंदर ही लग रही थी, अब आके पता चलेगा क्या सीन है। ये जो रात के बर्तन थे वो यहाँ पे साफ वगैरह हो रहे हैं, पानी में देखूंगा कैसा है। ओ भाई इतना ठंडा पानी, ऐसे लग रहा है ना फ्रिज में से निकाला हुआ है अभी सारा। और ये सामने चेक करो तुम, यहाँ पे ना बोट वोट का सिस्टम होना चाहिए यार। अगर मुझे तैरना आता ना मैं वहाँ से छलांग मारता उधर सीधा पानी में। जस्ट किडिंग गाइस, इतनी हिम्मत नहीं है किसी में भी कि इतने ठंडे पानी में बारिश के मौसम में ऐसा कोई करेगा। हाँ कर भी सकता है कोई, बट तुम्हारे भाई में इतनी हिम्मत। गाइस अब जाकर ना थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मैं नींद से उठ चुका हूँ। पहले हमने चाय पी, उसके बाद हम दोबारा सो गए, उसके बाद अब दोबारा से उठे हैं। बाल वगैरह मैंने बांध दिए हुए हैं क्योंकि बहुत अजीब से हो गए थे ना रात को, दिमाग ख़राब हुआ था। चलो फाइनली अब क्या करना है, टेंट क्लोज़ करना है और इसके बाद यहाँ से निकलना है वापस। अगर दोबारा से बारिश आ गई टेंट क्लोज़ नहीं कर पाएंगे। बारिश दोबारा से आ गई है और ये लाया सब कुछ था बट इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुआ है। बारिश हो रही है इतनी तेज भाई, आज लाइफ में पहली बार आपके भाई को ना फोटो क्लिक करा के ना ऐसा लगा कि हाँ फोटोज अच्छे आए हैं। अभी कपड़े वगैरह एक्सचेंज हो गए हैं, कोई किसी ने किसी का कुछ डाल लिया है, सब एक्सचेंज हो गया, सिस्टम चेंजिंग वाला हो गया। अभी मैं सामने तुम्हें बताऊँ इतना प्यारा व्यू है ना, अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना वो इससे भी ज़्यादा अच्छी जगह है भाई। मेन चीज़ क्या है, जगह अच्छी लगनी चाहिए वो चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हो। और इंस्टाग्राम पे डाल ये इतनी खतरनाक लोकेशन है ना जहाँ पे मैं अभी हूँ, इस साइड से साफ क्लियर दिख रहा है। इस पे चढ़ने की ट्राई करूँगा या फिर नहीं, अगर उस साइड गिरा ना बड़ी लगेगी। भाई एक पत्थर पे चढ़े, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इधर उधर फड़िए नहीं पकड़ना नहीं है। ये वीडियो अगर मेरे घर वालों को दिख गई मेरे को मार पक्की है, कसम से। नीचे देख रहा हूँ ना वो अंदर से एक डर सा होता है ना भाई वो लग रहा है मेरे को। ये देखो तेरे फोन किधर है, कितनी हाइट पे है यार। ओ भाई यहाँ से चेक करो भाई, ये चीज़ें तुम्हारा भाई दिखा रहा है तुम्हें। मैं लाइव में भी आके बहुत बार बोल चुका हूँ हमारे जम्मू कश्मीर से अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ और होगा। बहुत डर लग रहा है यार। करना नहीं चाहिए, हम एक फ़ोटोज़ और वीडियोस के लिए इतना ज़्यादा रिस्क उठा लेते हैं ना, वो बड़ी गंदी चीज़ है यार, ये मत करना चाहिए। ये वाला पहाड़ था जिसके ऊपर हम चढ़े थे, बट यहाँ का जो सामने का व्यू था ना वो एक नंबर था, सिर्फ वो दिखाने के लिए तो मैं ऊपर लेके गया था। वाह यार रात को सिर्फ रेस्ट किया है, सिर्फ सोए थे, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा थकावट सी हो रही है ना। व्लॉग मेरे का मुझे व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। सो फिलहाल अभी पहलगाम से वापस निकल चुके हैं घर के लिए, एक यहाँ पे रेस्टोरेंट कह लो या ढाबा कह लो, तू जा पहले। तो यहाँ पे बिरयानी का ऑर्डर दिया, भाई को खानी थी बिरयानी, हमने सोचा था हांगुल जाएंगे
भाई बोल रहा है बिरयानी खानी है, बिरयानी खाते हैं यहाँ से फिर निकलेंगे वापस और जाके फुल रेस्ट करने वालों में पता नहीं क्या सीन हुआ। देख कर ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होगी, ट्राई करके देखते हैं भाई। जब ऐसी ऐसी हरकतें करता हूँ ना मुझे लगता है कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ यार। अच्छी है यार, टेस्टी है भाई। पी रहे हैं पानी। आप भाई सर्दी लगी इतनी लगी कि मन नहीं कर रहा कुछ लोग। यासिर भाई क्या हाल है? बोल बड़ा क्या हाल है? बड़ा क्या हाल है? एक जगह कहीं पे बैठ जाओ ना फिर वहाँ से ना उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अपना खाना पीना हो चुका है, अभी चलते हैं घर वापस। तो इस ब्लॉग को मैं कर रहा हूँ यहीं पे एंड। होप किया तुम सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी एक राइड स्टार्ट होने वाली है, खतरनाक वाली, उसका वेट करना। बस कमेंट करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बाय।